हेलो वेलकम टू ऑल एस आई सी आई इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था कुछ रिविजन्स कहाँ गए सारे लोग आ जाओ जुट जाओ फटाफट मानव गुप्ता कोई सवाल टॉपर बुक देखिए सीधा सा पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं टॉपर बुक का एक शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं सीआई का इफ नंबर ऑफ टाइम इंटरवल ध्यान दो हेलो विकास रंजीत सबको गुड इवनिंग नंबर ऑफ टाइम इंटरवल दिया हुआ है मिक्स्ड ईयर ये मिक्स्ड नंबर हो देन अमाउंट कैसे निकलेगा यह समझो पी वन प्लस आई टू पावर वन वन प्लस आई टी याद रखना वेर एन आपका है इंटेग्रल पार्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ टाइम इंटरवल और टी है नॉन इंटेगरल पार्ट नॉन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ये शॉर्टकट याद रखिए इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में प्रिंस खुश रहिए खुश रहिए गुड इवनिंग जैसे आपका टाइम इंटरवल टू वन बाय थ्री दिया हुआ है तो ये जो टू है वो आपका क्या है ये जो टू है ये आपका क्या है इंटेग्रल पार्ट है और ये आपका क्या है वन बाय थ्री ये आपका क्या है नॉन इंटेग्रल पार्ट है इस बात का खास ख्याल रखिए तो जब टाइम इंटरवल मिक्स फ्रैक्शन में हो तो इसी तरह से अमाउंट को निकालते हैं जैसे टॉपर बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन सवाल पूछ रहा है पूछते जाइए बहुत बच्चों को मिल नहीं रहा है अभी मैं उनको भेज देता हूँ लिंक धनंजय भी कहा सब क्वेश्चन नंबर नाइन सेट सी अभी वहाँ भी आ रहे हैं वहाँ भी आ रहे हैं टॉपर बुक का कोई सवाल हो पहले टॉपर बुक को निपटा लेते हैं फिर हम सेट भी आते हैं क्वेश्चन नंबर वन ए का टॉपर बुक देखिए टॉपर बुक को निपटाते हैं पहले फिर हम आ रहे हैं आई सी आई टॉपर बुक में क्वेश्चन नंबर वन ध्यान दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़िए बच्चों से एक और भी रिक्वेस्ट है ये जो आप लोग पढ़ते हो जो चैनल पर वो चैनल को कम से कम केवल लाइक करके छोड़ देते हो कम से कम फेसबुक पर शेयर कर दो बहुत लोगों का भराई हो जाएगा तो आप अपने चैनल पर थोड़ा सा इसको जो फेसबुक आप इतना यूज करते हो सोशल साइट तो थोड़ा इसको भी आप क्या करेंगे कि शेयर कर देंगे सब जगह तो शेयर करेंगे तो जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी राइट अभी सब आ रहा है पहले टॉपर बुक कर लेते हैं मानव सिक्स वन बाय फोर परसेंट पर एन टू ईयर सेवेंटी थ्री डेज देखिए ध्यान से टू ईयर सेवेंटी थ्री डेज में आपको निकालना है तो टू ईयर सेवेंटी थ्री डेज एन क्या है टू ईयर सेवेंटी थ्री डेज देखो टू ईयर्स है सेवेंटी थ्री डेज को बदल लीजिए ईयर में डिवाइड कर दो तो टू वन बाय फाइव हो गया कट के ये मिक्स्ड में है ये इंटेग्रल पार्ट हुआ ये नॉन इंटेग्रल पार्ट है तो क्या फार्मूला लिखा है पी पी आपका बीस हजार चार सौ अस्सी दिया हुआ है ध्यान दो फार्मूला जो लिखा है वन प्लस आई आई कितना है सिक्स वन बाय फोर परसेंट ध्यान दो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट है तो हंड्रेड से भाग दोगे जीरो सिक्स टू फाइव हो जाएगा राइट तो वन पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव जीरो टू ईयर है इंटेगरल और नॉन इंटेगरल आई वन बाय फाइव राइट आप इसको सॉल्व कर लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आएगा उसमें बीस हजार चार सौ अस्सी माइनस कर देना क्लियर है टॉपर बुक में और कोई सवाल है किसी का पहले टॉपर बुक फिर हम लोग आ रहे हैं आईसीआई का भी हम लोग पढ़ाएंगे आईसीआई की भी चर्चा होगी अभी थोड़ी देर में आईसीआई स्टार्ट कर दूं विकास है मानव गुप्ता क्वेश्चन नंबर सिक्स टॉपर छः नंबर देखिए टॉपर सभी बच्चे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पंद्रह हजार फॉर टू ईयर नाइन्टी सिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्या लिखा हुआ है ध्यान दो सभी बच्चे सिक्स है टॉपर सी और एस SI का डिफरेंस है नाइन्टी सिक्स पंद्रह हजार रुपये पर तो पंद्रह हज़ार पर अगर आपको दिया हुआ है तो पंद्रह हज़ार फिफ्टीन थाउजेंड पर दिया हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले आप फार्मूला निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है ध्यान दो पी वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन ये होता है पी आई टी बराबर नाइन्टी सिक्स रखो पी कॉमन ले लो दोनों से पी कॉमन ले तो पी पंद्रह हज़ार है लिखा हुआ है वन प्लस आई आई कितना दिया हुआ है सिक्स में आई दिया हुआ है सिक्स में नहीं मालूम हमको है आई निकालना है टू ईयर माइनस वन आई निकालना है टी एट टू ईयर पी कॉमन निकाल दिया नाइन्टी सिक्स ये पंद्रह हज़ार को डिवाइड कर दो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी बी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू आई नाइन्टी सिक्स बाय फिफ्टीन थाउजेंड देखो ये दोनों कट गया इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर है सिक्स फोर आएगा तो आई बराबर रूट कर दो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर ज़ीरो पॉइंट जीरो यानी आठ परसेंट हो गया आंसर आपका तो इस तरह से आप काम कर सकते हो ठीक है अगर टू इयर्स का ध्यान दो इसका शॉर्टकट भी लिख देता हूँ अगर आप शॉर्टकट पढ़ना जानता चाहते हैं तो देखिए शॉर्टकट कैसे होगा वो बता रहा हूँ ये जो है सी के लिए लागू होगा वो टू ईयर सी आई सी आई एस आई आर गिवन देन आई बराबर रूट सी आई माइनस एस आई जो होगा वो लिखो और डिवाइडेड बाय पी कर देना है जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कितना है 96 और ये कितना है 15000 आप ये कर दोगे आंसर आ जाएगा ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि टू ईयर्स अगर सी आई और एस आई डिफरेंस दिया हुआ है दो साल का तब ये निकालने का तरीका होगा बंधु ऐसे नहीं सी आई एस आई का डिफरेंस ऊपर पंद्रह हजार करके डिवाइड करके रूट कर देना आई निकल जाएगा इन टू हंड्रेड कर दोगे परसेंटेज निकल जाएगा धनजय जी बोल रहे हैं टॉपर्स का क्वेश्चन नंबर दो बुक रखिए टॉपर का जरूर जिनके पास नहीं हो वो यहां से ध्यान से सुनेंगे मैं यहां पर दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन ए बैंक ऑफर्स फाइव परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट सारे बच्चे जो मैं बता रहा हूँ समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना मेहनत कर रहा हूं थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत आप करो और बच्चों के लिए भी मेहनत करो कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो हमारा शंकर सर मैथ्स क्लासेस है इसको प्लीज़ अपने फेसबुक पर भी आप डाल दीजिए ताकि क्या होगा कि जो बच्चों को पढ़ना होगा वो भी बच्चे पढ़ लेंगे राइट इतना तो काम आप हमारे लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो भी बता दो ये बैंक ऑफर फाइव परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड जितना भी नाइन्थ का टेंथ सॉरी टेंथ का एलेवंथ का ट्वेल्थ का भी पढ़ाता हूँ आप अपने फेसबुक पर थोड़ा लाइक करके और उसको शेयर भी कर दीजिए थोड़ा अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख दीजिए इससे क्या होगा कि थोड़ा लोगों के पास हम पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए तो कोई फीस हम चार्ज करते नहीं हैं तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो ठीक है केवल विकास या सर लिख रहा है बाकी तो कोई कुछ लिखता ही नहीं है बाकी सारे क्वेश्चन पूछने में लगे हुए चलो क्वेश्चन नंबर पहले टू एक ने पूछा है तो टू बता दूं और थ्री भी बता देता हूं। ए बैंक ऑफर्स फाइव परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ए कस्टमर है सोलह सौ है फर्स्ट जनवरी और फर्स्ट जुलाई को देता है एट द एंड ऑफ ईयर हाफ ईयरली बेसिस पर है देखो थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कीजिए टू नंबर ध्यान दो यहां पर एक जनवरी को है सोलह सौ सो रुपया और एक जुलाई को यहां जैन है और यहां जुलाई ओके वेरी गुड एक जुलाई को भी सोलह सौ सो है जमा करता है एट द एंड ऑफ ईयर है जी कितना अब देखो यहाँ पर एट द एंड ईयर हाफ़ ईयरली बोल रहा है एट द एंड पूछ रहा है ईयर एक साल लिया है तो दोनों पैसा अलग अलग जमा किया है तो दोनों का अलग अलग निकालिए देखिए ये दो हाफ ईयर है और एक सिंगल हाफ ईयर है तो टोटल अमाउंट कितना होगा आई क्या है फाइव परसेंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव राइट तो ये सोलह सौ का कितना होगा फार्मूला सिक्सटीन हंड्रेड वन जीरो है जी ये दो दो हाफ ईयर के लिए और ये कितना है एक हाफ़ ईयर के लिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन ये अमाउंट निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे तो जो अमाउंट होगा उसमें बत्तीस सौ माइनस करना है चूँकि पैसा दो बार जमा किए हो सोलह सौ प्लस सोलह सौ तो सोलह सौ और सोलह सौ कितने हो गए बत्तीस सौ हो गए क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चे पूछ रहे हैं आ रहे हैं आईसीआई का भी हम पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे आप चिंता मत कीजिए आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए रोज एक चैप्टर समाप्त कर लीजिए तीन कहता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड वन एंड हाफ ईयर चार परसेंट कंपाउंड एड ईयरली और हाफ ईयरली देखो ध्यान से अभी एक सवाल हमने मिक्सड ईयर का पढ़ाया था शॉर्टकट पढ़ाया था सीआई का डिफरेंस निकालना है तीन तो दोनों का अमाउंट निकालिए पहले हम कंपाउंडेड ईयरली की बात कर लेते हैं एक अभी हमने शॉर्टकट लिखाया था वो बात को आप ध्यान से समझिए सर बैक बैक हो गया लिखिए बैक हमने कर दिया कंपाउंडेड ईयरली अगर रहे तो टाइम है वन एंड हाफ ये हुआ इंटीग्रल ये नॉन इंटीग्रल, अभी तुरंत पढ़ाया कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल हो तो अमाउंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ाए थे ए पी वन प्लस आई एन है integral, और ये हो गया वन प्लस आई टी नॉन इंटेग्रल ये पार्टी नॉन इंटेग्रल लेंगे ये हो गया आपका इंटेग्रल है फाइव थाउजेंड है पी वन प्लस आई आई कितना है चार परसेंट एक साल के लिए और वन प्लस जीरो पॉइंट वन बाय टू के लिए यहाँ होगा इसका वैल्यू निकाल लो फिर हाफ ईयरली का निकालो हाफ ईयरली एक साल में कितने हाफ ईयर ये थ्री बाय टू है ध्यान दो इन टू तो तीन डेढ़ साल में तीन हाफ ईयर हो गया और आ हो जाएगा जी चार है तो दो परसेंट हो जाएगा तो इसका तो अमाउंट डायरेक्ट ये तो मिक्सड ईयर है नहीं तो ये डायरेक्ट निकल आएगा ए वन इसको मान लीजिए तीन और डिफरेंस पूछ रहा है तो जो अमाउंट में डिफरेंस होगा वही सी में डिफरेंस होगा ए माइनस या ए वन माइनस ए निकाल लीजिए ये बड़ा होगा और ज़्यादा और हो, छोटा होगा बड़े से छोटे को माइनस कर लोग निकल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया क्वेश्चन नंबर एट और एलेवन और कौन पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट और ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट टू ईयर 660 सौ साठ वाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग सेम बोथ केसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया ऑन ए सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर है 660 सौ साठ वाइल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट है रुपीज इतना तो आपको यह बताना है किया है तो आर क्या निकालना है शॉर्टकट बता दूं इसका देखिए शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं जरा इफ टू इयर्स एस एंड सीआई आर गिवन रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं सी आई माइनस एस आई फॉर टू ईयर्स डिवाइडेड by एस आई फॉर वन ईयर 100 सौ कर देना है इसी के आधार पर आपको निकालना है हाँ एन भी विकास चलेगा थोड़ा सा एक एक करके काम करते हैं सब चलेगा हम पूरी बात आपको बताएंगे चिंता मत कीजिए तो सी आई और एस SI आई का डिफरेंस ले लो ये तब होगा जब दो ईयर सी आई और एस SI आई की वन हो तब माइनस छः सौ साठ सिंपल इंटरेस्ट दो साल का है एक दो साल का छः सौ साठ है तो एक साल में कर दो इन सौ जो होगा वो आंसर हो जाएगा और आंसर नहीं मिल रहा है तो नान ऑफ दीज एट हो गया एलेवन क्वेश्चन नंबर एलेवन देखिए ये आ गया शॉर्टकट समझ में सबको ये कब हम यूज़ करेंगे कि दो साल का या सी और सी आई आपको अगर गिवन है आर निकालने का सीधा सा तरीका हमने आपको बता दिया ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं है थोड़ी बहुत बातें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर दस दस भी आसान है दस नंबर देखिए दस कहता है सम ऑफ मनी टेन नंबर क्वेश्चन ये सम थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एयर्स ट्वेंटी थाउजेंड सेवेंटी सिक्स ईयर है सम निकालना है पी तीन साल और छह साल का दिया गया है निकाल लीजिए अमाउंट का फॉर्मूला याद रखो P वन प्लस आई तीन साल के लिए है तेरह हज़ार तीन सौ अस्सी एक नंबर इक्वेशन आ रहा होगा समझ में सबको वेरी गुड छः छः साल में बीस हज़ार सत्तर बस P निकालना है ध्यान दो तो अगर इससे आप इसको डिवाइड कर दो तो इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा टू डिवाइड फर्स्ट ये सब लिखना नहीं है केवल समझना है तो ये मैं जो लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप ये से इसको डिवाइड करके यहाँ रख के भाग दे दो आंसर बीस हजार सत्तर डिवाइडेड बाय तेरह हजार तीन सौ अस्सी कैलकुलेटर है थ्री बराबर ये कर दोगे वन पॉइंट फाइव निकलेगा अब वन पॉइंट फाइव निकलेगा तो फर्स्ट में रख दो फर्स्ट से क्या होगा पी इंटू वन पॉइंट फाइव बराबर तेरह हजार तीन सौ अस्सी पी फाइंड आउट नहीं होगा तो इतना तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इससे ये डिवाइड करेंगे तो वन प्लस पी कट जाएगा वन प्लस आई पर पावर थ्री निकलेगा तो वन प्लस आई ये जी यहाँ पर रखो और इसका वैल्यू पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो क्लियर हो गया सबको ये दस है ग्यारह नंबर बच्चे पूछ रहे हैं यह आपको बता दूँ सारे बता देता हूँ डोंट वरी सब पढ़ा देता हूँ सी आई एस आई और एन ओ टी को हमको बहुत अच्छे से पढ़ाना है पंद्रह नंबर तक के सवाल पंद्रह नंबर सवाल आते हैं ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में बनना चाहिए अभी स्कैनर के भी सवाल हम लेंगे थोड़ा सैम्पल पेपर भी हम आपको देंगे ठीक है जो सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं आप उनको बनाएंगे हम आपको असिस्ट करेंगे आपको महारत हासिल करवाना है बस आप इतना काम कीजिए कि का आप पढ़ते जाइए और सारे जो चैनल हैं हमारे अपने फेसबुक पर लोगों के फेसबुक पर आप थोड़ा शेयर कीजिए अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए आगे बढ़ाइए ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें और लोगों का भी फायदा हो सके इसमें हमारा काम है कि मैथ को लोगों तक पहुंचाना सही तरीके से पहुंचाना और सब लोगों को जिनको जिनको ज़रूरत है वो सबको सिखाना तो जो जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए कहता है बारह हज़ार रुपये डबल आफ्टर है जी पाँच साल ए हो गया चौबीस हजार ए पी हो गया बारह हजार फार्मूला याद रखिए बार बार फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं पांच साल में डबल हो जाता है बेटा पांच साल में तो ये इधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा टू बहुत करोगे तो आप वन प्लस आई का वैल्यू निकाल दो आगे काम होगा फाइव इधर होगा तो टू पर पावर वन बाय फाइव हो गया अब कहता है जी एट टाइम्स नहीं सॉरी एलेवन कहता है आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स पूछ रहा है तो आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स में क्या अमाउंट होगा पी है बारह हजार वन प्लस आई ट्वेंटी बारह हजार और वन प्लस आई का वैल्यू ये रख दो टू पर पावर वन बाय फाइव ट्वेंटी फोर सिक्सटीन हो जाएगा मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया बात बारह जी क्वेश्चन नंबर तेरह भी बच्चे पूछ रहे हैं तो तेरह भी बता देता हूँ बारह भी पूछ रहा है कोई बच्चा बारह भी पूछ रहा है लो 12, सेम क्वेश्चन है ये सम ऑफ मनी प्लेस कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल फाइव ईयर वही सवाल है डबल इट से फाइव ईयर है फ्रॉम एब फर्स्ट तक आ गया डबल का मतलब हो गया ये 2P हो गया तो 1 प्लस आई का वैल्यू ही आ गया ठीक है तो ये बात आपको आ गई समझ में यहाँ तक तो अपॉन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम एब फर्स्ट तक इतना बराबर टू पर पावर वन बाय फाइव आ गया फिर कह रहा है एट टाइम्स पूछ रहा है एट टाइम्स का मतलब आठ हो जाएगा एट पी बराबर पी वन प्लस आई कितना साल में पूछ रहा है वो फाइव साल में है एट टाइम्स कित मनी है जी डबल इट सेल इट अमाउंट टू एट है सेम कितने साल में होगा यहाँ पर एन लिख दीजिए पी कट गया एट हो गया टू पर पावर थ्री और यहाँ वैल्यू रख दो ये टू पर पावर फाइव एन तो देखो टू पर पावर वन बाय फाइव एन बेस इक्वल है पावर बराबर करके एन नहीं निकाल लोगे वन बाय फाइव एन एन बराबर फिफ्टीन राइट तो फर्स्ट से हमने वन प्लस आई निकाला और काम हमारा हो गया बारह हो गया क्वेश्चन नंबर तेरह अभी बच्चे पूछ रहे हैं तो तेरे भी बेटा वही है थ्री टाइम्स है जी चार इयर्स में सत्ताईस टाइम वैसा ही सवाल है ट्वेल्व तो नंबर है थर्टीन नंबर भी बता देते हैं बच्चे पूछ रहे हैं बच्चों का डिमांड है तो उनकी डिमांड को ज़रूर हम पूरा करेंगे क्लियर हो गया यहाँ तक सबको यस या नो में जवाब दीजिए तब तक हम पानी पी रहे हैं चीयर्स पानी के अलावा कुछ नहीं है कोई और मैं सोच रहा क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन का रहा है थ्री टाइम्स इन इयर्स, इयर्स में थ्री टाइम हो गया तीन रुपया हो गया पी नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा फोर इयर्स में हो गया थ्री टाइम रहने दो एक ही क्वेश्चन कर रहा जी की या वन प्लस आई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं वन प्लस आई क्या होगा इधर ले जाओगे तो थ्री पर पावर वन बाय फोर जहां वन प्लस आई है ये वैल्यू आप रख सकते हो एक लिख दीजिए इसको कराए सत्ताईस टाइम ट्वेंटी सेवन पी ए वन प्लस आई टू दी पावर एन कट गया थ्री पर पावर थ्री इसके जगह ये रख दीजिए वन बाय फोर एन इतना बराबर हो गया एन बराबर कितना हो जाएगा बारह हो गया आंसर क्लियर थर्टीन के बाद जो है बस इससे पूछ रहे हैं फोर्टीन फोर्टीन भी कोई पूछे फोर्टीन मानव जी पूछ रहे हैं फोर्टीन लो जी फोर्टीन लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर है बीस परसेंट है मोर देन डबल ये कैलकुलेटर से निकलेगा पी वन प्लस आई टू दी मोर देन डबल का मतलब टू पी आई है पी से पी कट गया आई बेटा कितना है बीस परसेंट कैलकुलेटर उठाओ 1.1 1.2 लिखो इन बराबर दबाओ दो तीन और चार एन बराबर जब चार होगा तो मोर देन डबल हो जाएगा एन बराबर फोर आपका आंसर हो गया करके देखिए 1.2 1.2 करके देखिए एक सॉरी दो तीन चार इस तरह से शिवम सर गुड डे गुड डे गुड इवनिंग सर तो ये बात आप कर लोगे कैलकुलेटर के आधार की मदद से तो कैलकुलेटर के आधार पर आप इसका काम कर लोगे और कौन क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्सटीन एंड सेवेंटीन तो जरा सिक्सटीन सेवनटीन भी देख लेते हैं बारह हजार पाँच सौ रुपया बीस परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करते हैं सिक्सटी so, नंबर आप या तो मैनुअली बना सकते हैं या एक ढंग से बता सकता हूं और दो हजार रुपया जे पार्ट पेमेंट देते हैं तो तीन इंस्टॉलमेंट देखिए दो पार्ट ले जाइए सवाल को एक पार्ट है कि यहां पर उधार लेते हो बारह हजार पांच सौ जीरो पर और कितना है जी एट द एंड ऑफ है जी दो हजार लेते हो तीन इंस्टॉलमेंट तीन साल तक एक पार्ट ये हुआ दूसरा पार्ट है जी कि आप दो दो हजार देते हो एक एक साल के एंड में ये दो दो हजार रुपया देते हो ये आपने उधार लिया ये आपने दिया तो दोनों का वैल्यू यहां पर निकालिए चूंकि तीन साल के एंड में हमको पूछ रहा है दोनों का वैल्यू और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपका बच जाएगा तो बताओ जी कितना पैसा उधार लिया उसका कितना बनता है आपने बीच में क्या लिया दिया उसको अभी ये रहने दीजिए तो ये हो गया जी बारह हजार पाँच सौ कितना इंटरेस्ट है बीस परसेंट ये वैल्यू हुआ यहाँ पर इसका ये बैंक का हुआ और आप जो दिए उसका क्या हुआ या लिखिए दोनों का वैल्यू निकालिए इस पर तो 2000 का 2000 हजार है एक रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसी जगह कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल वैल्यू इस पर एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा और इस पर दो साल का इसका टोटल जोड़ दो यह हो गया ए वन तो ये बैंक का पैसा है ये आपके पैसे का वैल्यू हुआ तो डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा आया बात समझ में सबको इक्कीस हजार छह सौ वेरी गुड अंशिका वेरी गुड इक्कीस हजार छह सौ और जो है ये जो डिफरेंस होगा वही आंसर आपका हो जाएगा जो डिफरेंस है वो आंसर हो गया एक सत्रह नंबर सवाल पूछ रहे हैं बाबू जी बोरोड पेड बैक है टू एनुअल इंस्टॉलमेंट इसको हम एनोइटी के आधार पर भी बना सकते हैं लेकिन अभी हम इस पर ही बना लेंगे डिफरेंस कर दो बेटा आंसर का वो आंसर हो गया वेरी गुड तो यहाँ तक बात देखिए जब भी हम कोई लेन देन करते हैं कुछ पैसा आपने दिया बीच में और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर आपको पूछ रहा है तो पहले जिससे बैंक से, से लिए हुआ जहाँ से पैसा लिया उसका टोटल वैल्यू आप निकाल दो राइट right? उसका जब आप टोटल वैल्यू निकाल देंगे तो दूसरा जो पार्ट आप करेंगे जी कि जो आपका पैसा है उसका भी ठीक उस टाइम पीरियड तक टोटल वैल्यू निकाल देंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो आंसर हो जाएगा अभी बता रहा हूँ एक सत्रह नंबर सवाल हम बता दें उसके बाद हम आई सी आई बुक आते हैं ऐसा मॉम मनी बोरोड इसमें जितने भी सवाल दिए हुए हैं कभी न कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है ये सम और मनी बोरोड बैक है टू एनुअल इंस्टॉलमेंट एट एट एटी एट एट टू पाँच परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट है सम बोरोड देखो कोई पैसा आप उधार लेते हो दो एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो आठ सौ बेरासी एक बात याद रखिए या आगे भी हम लोग काम करेंगे जो इंस्टॉलमेंट आप देते हो उस इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ शामिल है एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा क्या है एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट ये दोनों उसमें क्या है शामिल है तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये दोनों जब आपका शामिल है उसमें तो इससे हमको क्या करना है इंटरेस्ट को हटाना है इंटरेस्ट हटाने का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू देखो जैसे ध्यान से जीरो है दस परसेंट अगर इंटरेस्ट है सौ रुपया है तो एक सौ दस रुपया हुआ तो जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो इंटरेस्ट जुटता है वही जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रजेंट वैल्यू का इन फार्मूला होगा क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका अगर हम प्रजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वन सौ रुपया प्रजेंट वैल्यू निकालते हो तो इंटरेस्ट हट जाता है ये बात को कॉन्सेप्ट को समझिए फ्यूचर वैल्यू का मतलब इंटरेस्ट जुटना और प्रजेंट वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट हटना तो इंटरेस्ट हटाने का मतलब है दोनों का प्रजेंट वैल्यू निकाल देना तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू इससे निकालिए ये, ये एक साल के लिए या दो साल के लिए यही लॉन अमाउंट हो जाएगा लॉन हो जाएगा आठ सौ बेरासी कितना परसेंट है पाँच परसेंट एक साल और आठ सौ ये दो साल ये जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वही लॉन अमाउंट हो जाएगा क्लियर अब हम आई सी आई का बुक आते हैं ऐसी आई बुक की बात कर लेते हैं चार भी हमने आपको पढ़ा दिया था अब हम एन की पहले बात कर लेते हैं एनविटी के सभी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सबको मालूम है पहले यह बताइए जी जो होगा वही होगा आंसर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू एग्जाम्पल देखिए यही है पाँच हजार इन्वेस्टेड इन ए टर्म डिपोजिट स्कीम फैचे इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली व्हाट विल बी इंटरेस्ट आफ्टर वन ईयर व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यही सवाल है मानव जो एग्जाम्पल साहब ट्वेंटी टू पूछ रहे हो सब भूल गया तो यहां पर तो कह रहा है क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से नहीं निकल रहा है मानव बताओ यही सवाल है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है एक साल के एंड में सौ रुपये का जो इंटरेस्ट होता है तो पांच हजार है टर्म डिपॉजिट में आपने जमा किया छे परसेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली वन ईयर के एंड में ट्वेंटी टू कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है अमाउंट कितना हो गया पांच हजार छ परसेंट है तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय छ चार कर दीजिए वन फाइव एक साल के एंड में हो गया चार तो सीआई बोलेगा तीन में से पांच हजार माइनस कर दे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्वेंटी वन वो भी बता देता हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है हंड्रेड रुपये का एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट होता है इफेक्टिव का फॉर्मूला पढ़ाया था हंड्रेड रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट पी वन प्लस आई और एन जो है वन ईयर के लिए है फॉर वन ईयर टाइम इंटरवल ये पढ़ाया था हमने आपको एक साल टाइम इंटरवल के लिए एन का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे तो सौ रुपये का इंटरेस्ट नहीं निकलेगा वन फाइव चार माइनस वन हो गया तो जो सौ रुपये का इंटरेस्ट होगा वही इफेक्टिव काल आएगा क्लियर ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पूछ रहा है बच्चा ये भी बता दूं और ट्वेंटी वन भी बता दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अंशिका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि ईयरली के अलावा कोई अदर कंडीशन आपको दिया हुआ है फिर से बात को समझ लीजिए कि ईयरली के अलावा कोई और अदर कंडीशन आपको दिया हुआ है बेटा ईयरली के अलावा जैसे यहां क्वार्टरली दिया हुआ है तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट का रेट हम सौ रुपये पर निकालते हैं तो सौ रुपये का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज मैंने पर हंड्रेड तो प्रिंसिपल अमाउंट हम सौ रुपया मान लेंगे और सौ रुपये का एक साल के एंड में जो इंटरेस्ट होता है वही उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे इफेक्टिव वंशिका समझ में आ गया सर अगर एनिटी निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू में सेम कैसे होगा बैंक के अकॉर्डिंग अच्छा ठीक है ये सब कुछ बातें हमने बता भी दिया है चलो अभी एनओटी पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा तो हम सिखाया गया समझ में आपको ट्वेंटी वन वाला तो आसान है ये अप्रैल दो हजार एक है और वहां पर ग्यारह दो हजार एक को दो हजार एक को दो हजार ग्यारह कर लीजिए फिर सवाल बनाओ हो जाएगा बहुत आसान है थोड़ा एनविटी की हम बात कर लें अब सभी बच्चे खाना भी बनाएंगे खाना भी खाएंगे सबको खिलाएंगे आज जो हम बनाए सबके सामने खाएंगे ताकि तुम लोग देखो लार टपकाओ एनवीटी स्टार्ट करूं एनविटी क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन है पहले बता दू एनविटी क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सटेंशन है सब भूल गए खा पी के जब तुम लोग सब खा पी के भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा एनवी एन भी कम्पाउंड इंटरेस्ट का एक्सटेंशन है पहले समझ लो एन का मतलब क्या है आज खाने में बहुत कुछ है आज हम देसी पिज्जा बनाए अब सब चीज़ देसी भी बनाते हैं स्वदेशी पिज्जा ठीक है स्वदेशी ढोकला आज सब यही चलेगा सर एग्जाम्पल चालीस एग्जाम्पल चालीस तो आएंगे तब अभी थोड़ा एन पढ़ा दूं फिर फोर्टी आ रहा है आ रहा हूँ एग्जाम्पल चालीस भी थोड़ा पहले एन ब्रीफ कर दू सारे बच्चे जो है याद आ नहीं रहे हैं सारे बच्चे जो है सोए हुए हैं तो उनको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आज इस वीडियो का कम से कम सौ शेयर होना चाहिए अपने अपने फेसबुक पर सौ से अगर कम होगा तो मैं क्लास छोड़ दूंगा अच्छा थोड़ा सा समझा देता हूँ जो भूल गए उनको मैं थोड़ा समझा देता हूं ठीक है फूड करता हूं एन क्या है पहले एनओटी समझ लेते हैं फिर गप सप करेंगे हाँ सिखा आजकल देसी भी होता है एनओटटी का मतलब है इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर लेन देन करते हैं जैसे आप कोई लोन लेते हो तो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ईम आई पेड करते हो नीटी का सवाल है लेकिन एनवीटी क्या है अभी सब चीज क्लियर कर देता हूं आप थोड़ा सा अंशिका सर फेसबुक नहीं चलाते हैं जो चलाता है जो चला उसी पर शेयर करो ओके ओके तो एनविटी है जी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन है एन ओ टी एनओ टी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट आप ये जान लीजिए एन ओ टी का मतलब है जो चीज इंस्टॉलमेंट में आप पेड करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको हम क्या कहते हैं एन ओ टी और वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए राइट अब एनओ टी जो है दो तरह के होते हैं जब भी एन ओ टी का सवाल हो तो दो तीन बातों का आप ध्यान रखिए जरूर जरूर दो तीन बातों का आप ध्यान रखिए क्या नंबर कि सवाल सीआई का होना चाहिए इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट की बात होनी चाहिए दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेन देन हो रहा हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए माइनोरिटी का इस्तेमाल करते हैं ये बात समझ लीजिए अब प्रेजेंट और फ्यूचर का कैसे पता लगेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे अब एनओटी देखिए दो तरह का होता है पहले एक बार हम फॉर्मूला आपको डिस कर दें फिर हम सवाल पर भी आते हैं इसका जितना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल भी बेटा बनाना है सबको ये फिर बात समझा रहा हूं एनओटटी दो तरह का होता है एक एनओटी को हम लोग कहते हैं ऑर्डनरी और रेगुलर एन और दूसरा है जी एन डी और इमीडिएट एनिटी ध्यान दो इसमें पेमेंट जो करते हैं एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल करते हैं एंड द एंड एट एंड ऑफ टाइम इंटरवल जब एंड ऑफ टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं कोई चीज़ पेमेंट करते हैं तो ऑर्डनरी फिर से समझ लीजिए दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट दो या दो से अधिक इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर सी आई में लेन देन करते हैं तब उस सवाल को हम एनोरिटी के आधार पर बना सकते हैं तो जब सवाल पढ़ो तो उसमें यह ध्यान रखो क्या दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट लेन देन की बात हो रही है अगर दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट में लेन देन की बात अरे हो रही है तभी ऑर्डनरी या, या रेगुलर एन से बनेगा ठीक है तभी वो एन से सवाल बनेगा और एन में अगर एंड ऑफ टाइम इंटरवल में पैसा लेन देन कर रहा है तो ऑर्डनरी बताता हूं और एट बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल ये शुरुआत में ही देता है इंस्टॉलमेंट बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल में अगर लेन देन करता है तो अब उसको हम लोग कहते हैं एनुटी तो ये बात आप समझ गए सभी बच्चे अब देखो ऑर्डनरी एन में लैंग्वेज कैसा रहेगा लिखा हुआ फॉर ऑर्डनरी एन के लिए थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दू ऐसा लिखा रहेगा पेमेंट एज मेड एनुअली ऐसा लिखा रहेगा हाफ ईयरली एक्सेट्रा सेकेंड लोन अमाउंट हमेशा होगा लोन लोन रिलेटेड प्रॉब्लम यह हमेशा ऑर्डनरी एनविटी है क्योंकि जब आप लोन देते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक टाइम इंटरवल के बाद देते हो तो लोन हमेशा क्या होगा ऑर्डनरी एनुटी और तीसरा नथिंग इज मैंशन और पेमेंट टाइम इंटरवल ऑर्डरी एन टी इज टेकन अगर टाइम पेमेंट के बारे में पेमेंट टाइम के बारे में कुछ मेंशन नहीं हो तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे आप हमेशा ऑर्डरी एनवी का इस्तेमाल करोगे अगर आपको एनटी ड्यू कैसे होगा कैसे समझेंगे वहां पर ऐसा लिखा रहेगा पेमेंट इज मेड नाउ टूडे इमीडिएटली एटसेट्रा प्रजेंटली तो इस तरह से जब आपको दिया हुआ रहे sir nothing is specified many about the time of payment then ordinary annuity is taken annuity ka matlab yahan par samajh lijiye ki kuch bhi question mein main specified nahi hai to aap hamesha ordinary annuity ka istemal karoge और annuity due होगा तो लिखा रहेगा payment is made now, today, immediately इस तरह की बातें वहां पर लिखा रहेगा ठीक है दो formula है प्रेजेंट ऑर्डनरी एनविटी के लिए ऑर्डनरी एन में पेमेंट हम ऐसा इंस्टॉलमेंट साइज ए है दो ए बराबर है साइज एनविटी या इंस्टॉलमेंट समझ लीजिए जो पैसे आप लेन देन कर रहे हो इक्वल इंटरवल में साइज हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक सर्टेन टाइम जैसे कि आप एक एक हजार रुपया बैंक में जमा करते हो सी आई में तो एक साल के एंड में टोटल कितना पांच दस साल के एंड में टोटल कितना पैसा जमा होगा तो वहां पर आप करोगे फ्यूचर वैल्यू वन है क्लियर आता है मेंशन क्वेश्चन में कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर किसी चीज का वैल्यू कहीं निकालने के लिए तो इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू और जब आपको जीरो पर किसी चीज का वैल्यू कहीं निकालने के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंट वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा एस या एस मैंने सम या ए एन आई ऐसे भी लिखता है एन का मतलब है ए इंस्टॉलमेंट साइज है, एन टाइम इंटरवल आर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए तो टोटल ये वैल्यू होगा तो जब दो या दो से अधिक एन क्या हो दो या दो से अधिक ये ध्यान रखना है आप इंस्टॉलमेंट देते हो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू का मतलब विथ इंटरेस्ट टोटल अमाउंट ये बता देगा बात समझ में आ रहा है और एक बात और भी आपको बता दूं यहां पर कि फ्यूचर वैल्यू जब हम निकालते हैं आई और एन में ध्यान रखना है पेमेंट अगर क्वार्टरली कर रहा है मंथली कर रहा है ईयरली कर रहा है ध्यान दीजिए तो भाई क्वार्टरली मंथली ईयरली कहेगा तो उसके हिसाब से आई और एन आपको चेंज करना पड़ेगा आई और एन जब उसी के हिसाब से चेंज करोगे तब बात बनेगी क्योंकि ये आपका क्या है ये आपका ऑर्डनरी एनुटी एनुटी क्या है, है? कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में एनुइटी की बात नहीं होती है और इसका प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू कब निकालते हैं ये भी अभी हमने समझाया कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जब भी निकालोगे इसी में थोड़ा चेंज कर दो इसको इधर करके माइनस एन कर दी जैसे आप कोई लोन लेते हो अब लोन में आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो एन इंस्टॉलमेंट दे रहे हो दस इंस्टॉलमेंट जो भी है जी आप चाहते हो कि हमने लोन कितना लिया ये इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो इंस्टॉलमेंट से लोन बेटा तभी निकलेगा जब इंटरेस्ट क्या होगा हटेगा तो इंटरेस्ट हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में इंटरेस्ट जुटता है ये बात एकदम समझ में आ ली जी फ्यूचर वैल्यू ही अमाउंट है बेटा विकास जी फ्यूचर वैल्यू ही अमाउंट होता है यहां पर ये क्या है एनवी साइज है ठीक है आप एन साइज आप अलग अलग भी मान सकते हो आप भी मान लो आर मान लो आपकी मर्जी है जी फ्यूचर वैल्यू ही अमाउंट है जी फ्यूचर वैल्यू ही टोटल अमाउंट होता है उसमें टोटल अगर आप अगर फ्यूचर वैल्यू ही क्या होता है अमाउंट होता है तो फ्यूचर वैल्यू ही अमाउंट होता है ये समझ लीजिए उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जुड़ा हुआ रहता है तो ये हो गया आपका ऑर्डरी ये चार फार्मूले याद रखने हैं, एक फार्मूला याद रखिए थोड़ा इधर उधर करके काम कर लेना है उसी तरह अगर हम एनुटी ड्यू लेते हैं तो फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया फिर से एक बार समराइज कर देते हैं जीरो यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है इसका पेमेंट इमीडिएटली का यही मतलब है एन माइनस वन बस जीरो से एन माइनस वन एन पेमेंट हो गया इसका टोटल फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा जो वो दोनों फार्मूला लिखे हो yes. ये जो आप फार्मूला लिखे और नरी में, में हैं और नरियान में इसमें वन प्लस आई मल्टीप्लाई कर देते देखिए पैसा हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं उसका रीजन समझा देते हैं ये जो पैसा हम जमा कर रहे हैं वह हम एंड में शुरुआत में कर रहे हैं लेकिन पैसा हमेशा एंड में मिलता है जैसे आप एक, -एक जनवरी को स्टार्ट दे रहे हो पैसा एक जनवरी 2010 हजार दस एक जनवरी दो हजार लेकिन जब एक जनवरी आप मान लीजिए दो हजार बीस तक जमा किए तो एक जनवरी जब 2020 दो हजार बीस दोगे तो इकतीस दिसंबर को मैच्योर होगा तो एक साल जो पैसा आपके अकाउंट में रहता है उसी वन प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है उसी तरह जो है प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी है प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी ठीक वैसा ही फार्मूला है तो फार्मूला याद रखने में फिर से समझते हैं एन का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कैसे पकड़ेंगे जी तीन बातों का ध्यान रखना है हमेशा तीन बात आपको पढ़ना है आपको कैसे पढ़ना है वो बात समझिए एक नंबर पॉइंट वन कि सवाल एन का है या नहीं या पहले जज करना है कैसे दो या दो से अधिक इक्वल पेमेंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेन देन हो रहा है दो या दो से अधिक तब इसका मतलब है वो का सवाल है दूसरा नंबर बात कि किस एनुटी का, का सवाल है या फिर आपका एनुटी का सवाल है या फिर आपका किसका एनुटी ड्यू का सवाल है ये कैसे पकड़ेंगे ये पकड़ने का सीधा सा तरीका है कि पेमेंट एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल किया जा रहा है या पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल में अगर एंड में हो तब आपका मतलब यह हुआ तब इसका मतलब हुआ कि सवाल क्या हो गया तब सवाल इसका मतलब हो गया जी कि ऑर्डनरी का होगा या टी ड्यू का होगा यह पता लगेगा और तीसरा पॉइंट फ्यूचर वैल्यू निकालना या प्रेजेंट वैल्यू निकालना ये कैसे पकड़ेंगे जब एक टाइम इंटरवल के बाद वैल्यू पूछे दस के साल के बाद वैल्यू बताओ पंद्रह साल के बाद वैल्यू बताओ ऐसा तब इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू और जब आप जीरो पर बोलता है कैसे लोन अमाउंट बताइए आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और इंस्टॉलमेंट दे रहे हो लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और उसमें जब भी आप कोई लोन लेते हो तो इंस्टॉलमेंट में हमेशा दो चीज़ शामिल होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट तो सारे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को हटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका बच जाएगा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा वही आपका लोन अमाउंट होगा अब इसके आधार पर हम सवाल बताते हैं ठीक है प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता देते हैं कैलकुलेटर हमारे पास अभी है नहीं नेक्स्ट डे में हम कैलकुलेटर लाएंगे उसका भी यूज़ करना हम आपको सिखा देंगे बाकी और किसका किसका जरा सा मैं देख लूँ यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ही अमाउंट है ये भी बात क्लियर हो गया शिवम सी नाइस एक्सप्लेसन थैंक यू ये सब बातें हो गई प्रेजेंट वैल्यू में देखो कैसे करना है और नरी एनविटी में मैं आपको बता देता हूँ जिसके पास कैलकुलेटर है जब पी बराबर ये लिखते हैं, ये इंस्टॉलमेंट है ये इंस्टॉलमेंट साइज जो आप लेन देन करते हो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटर वालो आप टाइम पर वो एनविटी साइज या इंस्टॉलमेंट का एनओटटी का मतलब ही इंस्टॉलमेंट होता है जैसे मान लेते हैं जी कि आप कोई लोन लेते हो एक हजार रुपया देते हो दस परसेंट इंटरेस्ट है दस साल के लिए देते हो तो कितना पैसा आपने उधार लिया जानना चाहते हो प्रेजेंट वैल्यू तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर पर डायरेक्ट निकलता है कैसे वो बता देता हूं वन पॉइंट वन जीरो माइनस टेन है तो इसको आप ऐसे कर लो कैलकुलेटर पर जिसमें जी टी लिखा है ग्रैंड टोटल अगर ये है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं पहले आप कैलकुलेटर पर वन डिवाइड वन पॉइंट वन जीरो करोगे वन डिवाइड वन पॉइंट वन जीरो और गिनती गिनोगे एक डिवीजन में एक से स्टार्ट होगा एक दो तीन दस तक और दस तक जब गिन लोगे और जीटी दबा दोगे तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा इसी का तो जीटी दबाने पर इसका टोटल वैल्यू आ गया तो इन टू एक हजार करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सर माइनस एक एंड एक एड सर माइनस एक एंड एक एड वन एंड वन एड और माइनस माइनस एन का मतलब यही है अभी पढ़ा दिया हूं माइनस का मतलब डिवाइड कर लो और डिवीजन का रूल करो हाँ छह हजार एक सौ चौवालिस बहुत अच्छा तो इसका वैल्यू आ गया ना वन प्लस आई टू दी पावर आई तो दिया हुआ रहेगा एन तो वन डिवाइड करके हम पता लगा सकते हैं वेरी गुड अब चलो एन टी का सवाल लेते हैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है सबको एग्जाम्पल पच्चीस से स्टार्ट है बताइए कोई सवाल ये दो तीन बातों को आप हमेशा ध्यान रखें तो काम आपका जो है चलेगा अच्छे से ओ विकास जी दुनिया में बेस्ट टीचर कुछ होता नहीं है बस हम अपने बात को आपको आपके तहत समझा दें तो आपको अगर समझा सकते हैं हमारा काम है दुनिया में नॉलेज का कमी नहीं है एक से एक टीचर संसार में है ठीक है बस हम एफर्ट का लगा सकते हैं एग्जाम्पल देखिए ट्वेंटी सिक्स दो चार सवाल पहले एग्जाम्पल सब हम क्लियर करते जाते हैं एग्जाम्पल आप क्लियर करो पहले उसके बाद हम लोग आएंगे सब सिखाते हैं सेट सी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन कौन क्वेश्चन है भाई सेट सी ग्रांड टोटल का यूज बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए करते हैं ऑर्डनरी में सेट सी क्वेश्चन नंबर एटी नाइन तो है ही नहीं बेटा अच्छा एट और नाइन फोर सी देखिए सत्ताइस एग्जाम्पल वो भी बता देता हूं बता देता हूं ए कंपनी बोरो टेन थाउज एंड टॉन कंडीशन some technical problem. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे फिर से रिए स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है अभी मैं थोड़ा सा रिए स्टार्ट करते हैं